करोड़ों की रिश्वतखोरी से मालवनी में बनाया जा रहा है। ओपन प्लॉट पर 24 रूमों का अवैध बांध काम। मालवनी के आजमी नगर इलाके में मालाड बीएमसी के कनिष्ठ अभियंता रंजित पाटिल और मनपा मुकादम हेनराय गोंसल्वीस की मदद से 24 रूमों का अवैध निर्माण अवैध कॉन्ट्रैक्टर स्वामी द्वारा किया जा रहा है। यहां आजमी नगर के कबाड़ वाला कंपाउंड के पीछे गांव देवी मंदिर रोड पर गंगा धाम सोसाइटी के सामने वार्ड क्रमांक 33 में रिक्त भूखंड पर बीएमसी के चाइना मुकादम इस्तिखार शेख और राधे यादव के इशारे पर एक साथ ग्राउंड प्लस एक मोहल्ले के 24 रूमों का इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। इस अवैध कॉन्ट्रैक्टर स्वामी द्वारा बनाए जा रहे इन रूमों में इस्तेमाल घटिया बिल्डिंग मटेरियल के कारण इन अवैध निर्माण का समय से पहले दुर्घटनाग्रस्त होना तय है, लेकिन फिर भी मालाड बीएमसी में कार्यरत इमारत व बांध काम विभाग के भ्रष्ट सहायक अभियंता सागर राणे के आशीर्वाद से अनगिनत शिकायतों के बावजूद संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ बीएमसी कानून के साथ धोखा ही नहीं बल्कि स्थानीय आम लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जाता है कि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा प्रत्येक रूम लगभग 25 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। अवैध निर्माणकर्ता स्वामी के आदमियों से पता चला कि इस्तिखार शेख और राधे यादव बीएमसी के अधिकारियों को संभालने का काम कर रहे हैं। देखें, गुप्त कैमरे के सामने इस्तिखार शेख कैसे पोपट की तरह मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के कारोबार की जानकारियां दे रहा है। उज्जवल भाई थे वार्ड लेने के चक्कर में, लेकिन साहब ने क्या बोला, पैसे के साथ में अपने को हर चीज भी कमाने का है, पैसा ही नहीं कमाने का, फंसने का नहीं है। अभी कौन तो जो आदमी जो कर रहा है, दुधारा साहब थे ना पहले, वो यही की चार्ज पे है और चिंतन मार करके वो जेई की चार्ज पे आया, समझे कि नहीं। दो ऑफिसर की बदली एक साथ अपने घर हुई, शर्मा साहब ही सब थे ना, यही सब वही थे, क्योंकि बाद में यहाँ रहते रहते उनका प्रमोशन। स्वामी के इस अवैध निर्माण को मनपा अधिकारियों से संरक्षण के लिए प्रत्येक रूम 5 लाख रुपए के हिसाब से लगभग 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत के पैसे दिए जाने का तय हुआ है, जिसमें से लगभग 70% रिश्वत के पैसे स्वामी ने दे दिया है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि पढ़ा लिखा तबके को अगर नौकरी मिली तो पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे प्रकाशित होने के बावजूद कार्यवाही का नहीं होना मनपा प्रशासन को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और इनके उच्च अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रमाण पेश कर रहा है। इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज लगातार मालाड बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रहा है। फिलहाल मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों, अवैध निर्माण के ठेकेदारों और चाइना मुकादम इस्तिखार शेख एवं राधे यादव द्वारा न्यूज चैनल को रिश्वत के बल पर खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें क्या पता इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज कोई बिकाऊ नहीं है, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने और आम लोगों के टैक्स के पैसों को बर्बाद करने वाले कारोबार के खिलाफ आवाज को दबाकर आंख मूंद लें और इनके भ्रष्ट कारोबार को संरक्षण दे दें। हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान सिर्फ मालाड बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। बस जनता का साथ मिलता रहे, इन भ्रष्टाचारियों की पोल हम खोलते रहेंगे। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।